हेलो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में कक्षा सातवीं की वर्कशीट आई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से दिनांक है यहाँ पर आ जाएगा चौबीस अगस्त आज के दिनांक है चौबीस अगस्त 2021 अध्याय है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका और इसका टॉपिक लिया गया है भाग चार पाँच स्वास्थ्य सेवा और समानता से तो पाँच प्रश्न है पाँचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने लिख रखे हैं इन पांचों प्रश्नों को आपको अपनी सामाजिक विज्ञान की जो कॉपी या नोटबुक है उसमें आपको प्रश्न के साथ उत्तर को भी लिखना है जिससे आप ये प्रश्नों को उत्तरों को याद कर सकें तो ये वर्कशीट जो मैंने आपके सामने लाई हूँ ये इसके उत्तर मैं सिर्फ आपके हेल्प के लिए लाई हूँ इसलिए आपको ये नहीं कि आप सिर्फ कॉपी में लिख लें आपको इसको याद भी करना है याद करेंगे तभी आगे जो परीक्षा में आपके लिए सहायक सिद्ध होगा चलिए देखते हैं पांच प्रश्न प्रश्न नंबर एक है क्या सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है तो चलिए साथ-साथ उत्तर देखते जाते हैं तो नहीं सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है ठीक है दूसरा प्रश्न है ऐसा क्या किया जाए कि सभी को स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध हो जाए क्या करना चाहिए तो कुछ सुझाव हैं जैसे पहला है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि की जाए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जिससे मरीजों को दिखने दिखाने के लिए शहर नहीं आना पड़े दूसरा है जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधियों के जेनरिक नाम ही उपचार की पर्ची पर लिखने चाहिए और सुनिश्चित करें कि वो सही हों ठीक अच्छा। है आगे देखिए तीसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न देखिए गरीबों के लिए बीमारी किस प्रकार से मुसीबत बन जाती है इसका तीसरे का उत्तर देखिए इसमें भी कुछ सुझाव दिए हैं गरीबों के लिए बीमारी किस प्रकार मुसीबत बन जाती है तो ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं और इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है दूसरा है गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी और चिंता मुसीबत का कारण बन जाती है क्योंकि वो पहले से कुपोषण दूषित भोजन और प्रदूषित वातावरण से पीड़ित होते हैं और उस उसके ऊपर अगर कोई बीमारी हो जाए तो उनकी बची कुची संपत्ति और पैसा भी इनमें बर्बाद हो जाता है ये वो मतलब वो कमज़ोर हो जाते हैं आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या चार दुर्गम इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने में क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं दुर्गम इलाकों का पूछा है तो देखिए प्रश्न संख्या चार का उत्तर देखते हैं दुर्गम इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने के लिए अनेक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं जैसे अस्पताल ना होने के कारण शहरों में जाना पड़ता है समय पर दवाइयां नहीं मिलती हैं और शहरों में अस्पताल जाकर लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है यातायात के साधनों के अभाव में इलाज न मिलने पर कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है तो इस तरह की कुछ परेशानी है जो दुर्गम इलाकों के लोगों को झेलनी पड़ती है तो चार प्रश्न के उत्तर हमने लिख लिए हैं चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न पांचवा प्रश्न सरकार स्वास्थ्य में किस प्रकार सुधार करे कि लोगों को समय पर इलाज मिल सके हैं तो सरकार को क्या करना चाहिए तो सरकार का दायित्व है कि वह अपने सभी सब सभ नागरिकों को विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए उचित व्यवस्था करें अच्छे अच्छे अस्पताल खोलें और निःशुल्क इलाज की सुविधा इनको प्रदान की जाए ये कुछ सुझाव थे इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो ये पांच प्रश्न हैं पांचों प्रश्नों के उत्तर मैंने आपके सामने लिखे हैं आपको अप इनको अपनी नोटबुक में नोट करना है और वीडियो को पूरा देखिएगा आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वर्कशीट के लिए तब तक के लिए धन्यवाद